मिशन 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस ने महंगाई के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के इस दौर में कांग्रेस ही भारत को जोड़ सकती है, इसलिए कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा निकाले जा रही है। अब रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई दिखा और अभी तक बिखरी बिखरी दिख रही कांग्रेस एकजुट नजर आई। कन्याकुमारी से ले कश्मीर तक आपकी आवाज जाएगी और पद यात्रा राहुल गांधी जी 7 तारीख को शुरू करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। महंगाई के बहाने राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर कई वार किए। इस रैली को 2024 के लिए कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल। श्रद्धा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और हमें मार्गदर्शन दे आगे की इस लड़ाई के लिए। हल्ला बोल रैली में राहुल पूरे फॉर्म में दिखे। राहुल बोले, मोदी राज में डर, नफरत और महंगाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। तो भाई और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। राहुल ने सीधा वार करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस समाज में नफरत बांट रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? रैली में राहुल गांधी ने ईडी वाला विक्टिम कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि 100 घंटे नहीं, 100 दिन भी पूछताछ कर लो, मैं ईडी से डरूंगा नहीं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया, मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एंग्री अवतार में दिखे राहुल ने कहा, मोदी राज में सिर्फ 2 कारोबारियों को फायदा पहुंचा। डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो, सब कुछ, सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। कांग्रेस 7 सितंबर से देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली है। राहुल का मकसद हल्ला बोल रैली से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरना था। काफी हद तक वो उसमें कामयाब भी हुए। हल्ला बोल, हल्ला बोल,
हल्ला बोल रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा, क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा है नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए, खासतौर से राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के कई दिग्गजों ने किस तरह से इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा लग रहा है कि जरूरी माना जा रहा था कि राहुल गांधी ही सर्वमान्य है कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। और आज की इस रैली के जरिए एक तरफ महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को उनके कद को और ज्यादा बड़ा करने की इस कोशिश के तौर पर भी इस रैली को जरूर देखा जाना चाहिए। जब से राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की गई है, तब से राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब की ऊर्जा दिख रही है। दरअसल राहुल 2024 को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सकती है। मिलकर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। धन्यवाद। और अंत में राहुल जी के संदेश के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस प्रण और संकल्प के साथ हम लोग जाएंगे। तो कांग्रेस कह रही है कि वो देश बचाने के लिए देश भर में पसीना बहाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश नहीं अपना परिवार बचाने के लिए राहुल परेशान है। राहुल ने मोदी सरकार के साथ मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और राहुल ने न्यायपालिका के साथ मीडिया को बिका हुआ बता दिया। अब इसके लिए उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहे दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर कांग्रेस के सियासी दिग्गज जुटे। हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी ने दावा किया कि वो देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसे परिवार बचाओ रैली करार दे दिया। अगर सही बताएं तो ये रैली एक परिवार बचाओ आंदोलन था, एक परिवार बचाओ रैली थी। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस में खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री, चार चार बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, दशकों पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने भी नेशनल हेराल्ड के विषय को उठाया और आज गांधी परिवार को लग रहा है कि वो संपूर्णतः घिर गए हैं, तो अपनी साख को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने इस रैली का स्वांग किया है। रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के साथ मीडिया को भी निशाने पर लिया। यहां हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनका काम जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का होता है, मगर ये भी अपना काम नहीं करते हैं। 24 घंटा ये कैसे करेंगे? ये मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों का मीडिया है, पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है। जिस प्रकार से मीडिया को जनरलाइज टर्म में सबको बिका हुआ बताया गया, मुझे लगता है आज मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वो राहुल गांधी से सवाल कब करे। और अब एक दुखद खबर। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और कारोबारी साइरस मिस्त्री की महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। कार एक्सीडेंट में साथ बैठे एक और शख्स की भी जान चली गई। साइरस मिस्त्री की उम्र मात्र 54 साल की थी। स्तब्ध करने वाले इस हादसे पर पीएम समेत तमाम लोगों ने संवेदना प्रकट की है। मंजर बेहद खतरनाक है, तस्वीरें डरावनी है, हादसा खौफनाक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस रोड एक्सीडेंट में भारतीय कारोबार जगत के एक बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत हो गई है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान मुंबई से पहले पालघर के पास एक भीषण सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। उनके साथ मर्सिडीज गाड़ी में तीन और लोग भी सवार थे, जिसमें से जहांगीर दिनशो पंडोले की भी मौत हो गई। कार चला रही डॉक्टर अनाहिता पंडोले और डेरियस पंडोले बुरी तरह से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक मर्सिडीज को ड्राइव कर रही अनाहिता पंडोले का कार से नियंत्रण खत्म हो गया था, जिससे ये भयानक हादसा हुआ। पुलिस ने ADR यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल कर दी है। दोपहर को 3:15 बजे अहमदाबाद से मुंबई जाने वाले रोड पे सूर्या रिवर के ऊपर का जो ब्रिज, वो ब्रिज के डिवाइडर पे डैश होके मर्सिडीज गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 4 लोग सवार थे, उसमें से 2 लोग स्पॉट पे ही मृत घोषित किए गए और बाकी के जो 2 लोग थे वो जख्मी है, उनको रेनबो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है जो वापी में है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री महज 54 साल के ही थे और हर कोई उनकी असमय मौत से स्तब्ध है। संवेदनाओं का सैलाब उमड़ रहा है, हैरानी का ज्वार चढ़ रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, साइरस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वो एक होनहार व्यवसायी थे जो भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास करते थे। उनका निधन वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं। साइरस मिस्त्री की मौत पर कई केंद्रीय मंत्रियों और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी शोक संदेश जारी किया है। साइरस मिस्त्री का उद्योग जगत में खासा नाम था, रुतबा था। साइरस मिस्त्री 2012 से अक्टूबर 2016 तक टाटा सन्स के चेयरमैन थे। वो भारत के नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के सदस्य भी रहे। हम आपको ये भी बता दें कि बिना टाटा उपनाम वाले वो सिर्फ दूसरे चेयरमैन थे। टाटा सन्स में उनकी हिस्सेदारी 18.4% थी। 1991 में उन्होंने शपूरजी पालोनजी कंपनी लिमिटेड में बतौर निदेशक अपने कारोबारी ग्रुप से कानूनी विवाद भी चल रहा था। 1968 में मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्म लेने वाले साइरस मिस्त्री महज 54 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन कारोबार में एक बड़ा शून्य भी छोड़ गए। मुंबई से साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। हम आपको बताते हैं कि जिस मर्सिडीज कार में साइरस मिस्त्री सवार थे उसमें कौन कहां बैठा था और उसके साथ कैसे क्या हुआ। दरअसल साइरस मिस्त्री कार की पिछले सीट पर सवार थे और जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त कार में पीछे का एयरबैग नहीं खुला। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि मौके पर ही साइरस मिस्त्री की मौत हो गई। पिछले सीट पर ही साइरस के बगल में जहांगीर पंडोले बैठे थे, अब इनका भी एयरबैग टक्कर के बीच नहीं खुला और इनकी भी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मर्सिडीज कार डॉक्टर अनाहिता पंडोले चला रही थी और हादसे के वक्त सामने का एयरबैग खुल गया और इनकी जान बच गई। कार में सामने के पैसेंजर सीट पर डेरियस पंडोले सवार थे और एक्सीडेंट के वक्त इनके सामने का एयरबैग भी खुला और इनकी भी जान बच गई। यानी पीछे का एयरबैग नहीं खुला इसलिए दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। तो सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री की मौत और एक कार हादसे के दौरान, भीषण सड़क हादसे के दौरान उनकी जान चली गई। कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए, मर्सिडीज की ये कार। लेकिन इसके बाद और सेफ्टी फीचर्स को लेकर बाहर विदेशों में और भारत में जो नियम है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और क्या कुछ हुआ उसको बता रहे हैं। इस कार में 4 लोग सवार थे, 2 की जिंदगी बच गई, उनका इलाज चल रहा है और 2 लोग काल के घाल में सवा गए। पीछे साइरस मिस्त्री बैठे हुए थे, जानकारी के मुताबिक वो एयरबैग नहीं खुला और उनकी मृत्यु मौके पर वहीं हो गई और उनके साथ जो सवार थे उनकी भी, जहांगीर पंडोले पिछली सीट पर ये भी बैठे हुए थे, इनका भी एयरबैग नहीं खुला सामने और इनकी भी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि डॉक्टर अनाहिता पंडोले ये आगे सवार थी और इनका एयरबैग खुल गया, ये सुरक्षित बच गए और इनके साथ जो और भी थे वो भी सही सलामत। लेकिन अपने आप में देश ने आज एक बड़ा उद्योगपति खोया, भारत के विकास में इनका भी योगदान। और अहमदाबाद टू मुंबई ये साइरस का जो आखिरी सफर है और इसको लेकर प्रधानमंत्री समेत देश के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये जो तस्वीर आई है देखिए वो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये भीषण सड़क हादसा, ये वाकया पेश आया। दोपहर में लगभग 3:15 बजे के आसपास ये एक्सीडेंट बताया जा रहा है और वहां आसपास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन काफी
बड़ी हस्ती, एक बेहतर प्रोफाइल, दुनिया भर में इनकी कंपनी का नाम। और ये देखिए जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं मर्सिडीज कार, ये हाईवे पर उसके बाद से एकाएक, और जिस तरह से कार अभी आपको नजर आ रही है, जिस तरह से इसकी हालत है, उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीषण ये भयावह सड़क हादसा, इसमें साइरस मिस्त्री की जान चली गई, इसकी तीव्रता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और देखिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बीच सड़क पर किस तरह से जैसे वहां पर एक्सीडेंट हुआ, लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लोग किसी ने ये वीडियो बनाया है और वहीं से ये तस्वीर सामने आई है, कार किस तरह से जाकर वहां पर टकराई और मर्सिडीज कार इसके परखच्चे उड़ गए, आगे का पूरा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त है, और इसमें साइरस मिस्त्री इस भीषण सड़क हादसे में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, काल की खाल में समा गए वो, और किसी को नहीं पता होगा, ना उनको ना उनके घर वालों को, कि ये सफर आखिरी सफर साबित हो सकता है साइरस मिस्त्री के लिए। बावन साल तक कांग्रेस की सेवा करने वाले गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में पहली रैली के दौरान कांग्रेस को जमकर कोसा और आजाद ने कांग्रेस को कंप्यूटर और ट्विटर से चलने वाली पार्टी करार दे दिया। तो तिलमिलाई कांग्रेस ने गुलाम नबी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताकर पलटवार किया। अब कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि आजाद साहब पीएम मोदी के आंसुओं का कर्ज उतार रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस हुंकार भर रही थी, तो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से आजाद होने वाले गुलाम नबी जम्मू में गरज रहे थे। 52 साल तक कांग्रेस में रहने वाले आजाद ने जम्मू की रैली में कांग्रेस पर हमलों की झड़ी लगा दी। एक तरफ राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद कश्मीर में, खासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने है। माना जा रहा है कि आज ही गुलाम नबी आजाद, जो तकरीबन 50 सालों तक कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के टिकट पर ही जीते और फिर मुख्यमंत्री बने, कई बार राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद रहे, वो गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी पर ही सबसे ज्यादा निशाना साधते हुए अपनी पहली रैली में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को कंप्यूटर और ट्विटर से चलने वाली पार्टी बता दिया। मुझे किसी भी आदमी का दिल्ली से घर में कंप्यूटर चलाने वाले का और गलत मैसेज लोगों को भेजने का मैं उनकी तरह नहीं, मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ हूं। गुलाम नबी ने जम्मू की रैली में कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसा। उन्होंने कहा कि हमने अलग पार्टी बनाई तो कुछ लोग बौखला गए। उन्होंने कांग्रेस की बर्बादी की वजह भी बताई। न मैंने उन तीन सबका एमएलए और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए, मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूं। तो लोग आज मैं देखता हूं कांग्रेस पार्टी से जेल में जाते हैं, सुबह बस में ले जाते हैं और उसी वक्त डीजी वगैरह को फोन करते हैं या पुलिस कमिश्नर को, हमारा नाम बस लिख लिए, एक घंटे में वापस छोड़िए, इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा। गुलाम नबी ने इशारों में कहा कि भले नई पीढ़ी कदर ना समझे, लेकिन वो इंदिरा गांधी के लिए जेल गए थे। जब इंदिरा गांधी को 20 दिसंबर 1988 में पार्लियामेंट से बर्खास्त किया और सीधे तिहार जेल ले गए, और मैंने जनशक्ति के नाते 5000
यूथ कांग्रेस के लड़कों का जुलूस दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू करके पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में हम सबको गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल में छोड़ा। इंदिरा जी को एक हफ्ते या दस दिन के बाद छोड़ा, लेकिन हमें 20 अगस्त 1988 में गिरफ्तार किया और अगले साल जनवरी में छोड़ दिया, क्योंकि वो जमानत चाहते हैं, हमने जमानत नहीं लिया। कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के हमलों से बिफर गई। राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने यहां तक कह दिया कि गुलाम साहब सरकार से डरे हुए, जबकि हरीश रावत ने गुलाम नबी आजाद को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। आपका ये कहना है अगर कि आपके खून पसीने से कांग्रेस पार्टी बनी है, तो आपका भी वजूद कांग्रेस पार्टी से ही बना है। दोनों अगर एक दूसरे के पूरक है तो छोड़ के भाग क्यों रहे? कांग्रेस तो आपको भगा नहीं रही है, क्यों आप छोड़ के भाग रहे हैं? गलती आपकी है, मत जाइए। आपने पहले भी कहा था ये वक्त है, ये वक्त है साथ खड़े होने का, ये वक्त राहुल गांधी जी के कांग्रेस के जनता के साथ खड़े होने का है। जो भागेगा वो फिर कहीं ना कहीं डर रहा है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के आंसुओं का कर्ज उतार रहा है। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो भाजपा की भी टीम है, हम तो ए टीम से मुकाबले में ही, तो बी टीम। गुलाम नबी आजाद जब तक कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो भाजपा की भी टीम। ये सच है कि कांग्रेस के भरोसेमंद सिपाही रहे गुलाम नबी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनके हमलों से कांग्रेस नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से स्टेज पर अभिनय के दौरान एक कलाकार की मौत का वीडियो सामने आया है। गणेश मूर्ति पंडाल में यह कलाकार अचानक स्टेज पर जा गिरा और देखते ही देखते उसकी जान चली गई। संगीत के तेज शोर के बीच ये मौत की शांत दस्तक की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे दबे पांव मौत आई और नाचते गाते शख्स को अपने आगोश में ले गई। मौके पर तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को भी ये पता तक नहीं लगा कि जो शख्स उनके सामने चंद लम्हों पहले मौजूद था वो अब मौत की गिरफ्त में जा चुका है। ये तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की है, जहां गणेश पूजा के दौरान एक शख्स हनुमान की वेशभूषा में भजन पर डांस कर रहा था। देखते ही देखते कलाकार अचानक ही स्टेज पर गिर गया। पास मौजूद लोगों को लगा कि ये उस कलाकार के अभिनय का ही हिस्सा है। यही वजह कि काफी देर मंच पर गिरा ये शख्स तड़पता रहा, लेकिन किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। जब लोगों को हनुमान का भेष धरे कलाकार के अचेत होने का अंदेशा हुआ तो आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। रवि शर्मा जी थे जो झांकियां का काम करते थे, साथ में अम्मी थे, उसमें मतलब नाच रहे थे, प्रसाद भी बांट रहे थे, तो अचानक ही वो गिर पड़े। कैसे थे उनके? अभी अस्पताल ले गए, जाके रास्ते में खत्म हो गए। अचानक मौत की ऐसी ही तस्वीरें कुछ दिन पहले बरेली से आई थी, जहां पार्टी के दौरान एक शख्स गाने की धुन पर डांस कर रहा था। पार्टी में मौजूद लोग उनके डांस का लुत्फ उठा रहे थे कि अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया और देखते ही देखते वो मंच पर गिर गया। पार्टी में मौजूद लोग मंच पर आए तो पता चला कि उस शख्स की दिल की धड़कनें बंद हो गईं। जहां तो जान है तो जहान है, वक्त और सावधान रहने की है।